मेरठ की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़ी करने वाली ये वारदात सामने आई है। बदमाशों ने हॉस्पिटल में फायरिंग की है। भर्ती मरीज से मिलने के लिए ये बदमाश आए थे। शराबी बदमाशों को रोकने पर उन्होंने धमकी दी और अस्पताल में ही पार्टी मनाना चाहते थे, मरीज का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। दो घंटे बाद लौटे बदमाशों ने फिर फायरिंग कर दी। गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर स्टाफ पर फायरिंग की गई है। गंगानगर के अप्सनोवा अस्पताल की घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, हॉस्पिटल के अंदर गुंडागर्दी? बिल्कुल, ये गंगानगर में जो अप्सनोवा अस्पताल है, यहाँ पर नौचंदी इलाके का एक मरीज भर्ती था जिसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था। आईसीयू में वो भर्ती था और कल ही उसका बर्थडे भी था। तो करीब पांच लोग जो बदमाश बताए जा रहे हैं शराब के नशे में धुतते, उन्होंने अस्पताल में घुसकर जो स्टाफ था उससे बदतमीजी की और बाद में वहां पर जो महिला स्टाफ था उनसे छेड़छाड़ भी की है। उनको किसी तरीके से विरोध करके बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो धमकी देकर गए कि वो लौटेंगे और करीब तीन घंटे बाद जब वो लौटे तो उन्होंने अस्पताल में एंटर करते ही जो गार्ड थे सुरक्षा के उनको गन पॉइंट पर लिया और स्टाफ के ऊपर फायरिंग किया। गोलियों के जो निशान है वो अस्पताल का जो रिसेप्शन है वहाँ पर तो साफ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल नरेंद्र, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई क्या कुछ होती है मामले में। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है।